धन का सदुपयोग। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी वह अंदर से अशांत बना रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह खेत के पास पहुंचा। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ जाएं। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि यह खेत तुम्हारा है, इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान बोला, नाना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है। इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। राजा बोलता है, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती भला? आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं? इस पर किसान कहता है, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। राजा ने अचरज से पूछा, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है? किसान बोला, सेठ जी, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता तो उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। राजा ने उपहास के लहजे में प्रश्न किया, तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से मैं कर्ज चुका देता हूँ तथा तीसरा मैं उधार में दे देता हूँ और चौथा आना मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा को यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो तब तक जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया। राजा ने प्रश्न किया, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही सही उपयोग करना होगा। भाई, वास्तव में देखा जाए तो धन प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। वो तो पुण्य का फल है। बहादुरी तो तब है जब उस प्राप्त धन संपदा का सदुपयोग किया जाए, धर्म प्रभावना के कार्य किए जाएं, निर्धन और असहायों की मदद की जाए। ऐसे बहुत से कार्य हैं जहां हम उस धन का सदुपयोग अपनी अपनी योग्यता अनुसार कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। आपने इस वीडियो से क्या समझा यह हमें कमेंट करके बताएं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अन्य साधर्मियों के साथ शेयर अवश्य करें।